Current patrons. The current patrons of political parties analyzed by various philosophers, and specifically a uh, specific work on the uh, political parties and their organizations and activity in the modern state. That is basically a discussion on the explain and explaining the current patrons in the existing political parties like uh, here we are going to highlight some uh, criteria and uh, on the basis of the two specific criteria highlighted by the political sociologists like that the constituent units of parties that there are simple units of political parties her political party ke kuch Uh, अपने यूनिट्स होते हैं ये यूनिट्स कैसे तरतीब पाते हैं कि जो बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी जब अपना मंशूर लिखती है तो वो कुछ कंपोनेंट्स को तहरीर में लाती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे देन फॉर्म ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्टीज़ फिर एक प्रॉपर फॉर्म जो है वो तश्कील दिया जाता है जिसके अंदर वो लोग जो पार्टी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस फॉर्म को फिल करते हैं uh, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दो चीज़ें इनफ नहीं हैं बल्कि इसके साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें भी होनी चाहिए जैसे ये कहा जाता है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सब यूनिट्स होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होने वाली हर डिबेट को और वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर लोगों की पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है और फिर उसके साथ साथ कुछ ब्रांचेस होनी चाहिए ब्रांचेस आर द अदर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स इन करेंट पैटर्न ऑफ पोलिटिकल पार्टीज ब्रांचिज आर मोर सेंट्रलाइज्ड विच कीप्स एन एक्सपेंडिंग इट्स बेसिस ऑफ मेम्बरशिप्स एंड आर मोर डेमोक्रेटिक इन देअर नेचर दैन कॉपर्स अब ब्रांचेस का बेसिक पर्पस क्या है क्या पॉलिटिकल पार्टी की ब्रांचेस होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होगा हम बेसिकली इन ट्रेंड्स पर बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ छोटे यूनिट्स और फिर उन यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन यानी अगर Uh, मिसाल ले ली जाए कि जोग्राफिकली एक तो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर का उसकी उसकी मेकनिज़म uh, है फिर सूबों के अंदर है फिर डिवीज़न्स के अंदर है फिर ज़िलों के अंदर है अब हर लेवल पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑपरेट कैसे कर रही है क्या उसने प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है उस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को कैसे शामिल करना है पार्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्या लोगों की इन्वॉलमेंट से होंगे या लीडर नॉमिनेट करेगा फिर देन डेफिनेटली देर आर वेरियस सेल्स इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट इज़ द थर्ड मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द करंट पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज विच आर प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड एज अ मीन्स ऑफ ओवर थ्रोइंग द इस्टेबलिश्ड गवर्नमेंट ऑर्डर अब ये जो तो सेल्स होते हैं बेसिकली सेल्स कैसे काम करते हैं यानी हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेटजी पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन सेल्स के थ्रू हर वक्त ऑपरेटिव रहती है अगर करंट गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें कहाँ कहाँ फेलियर है अगर करंट गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी है हेल्थ पॉलिसी है बजट आने वाला है कोई uh, किसी खास इशू पर पॉलिसी स्टेटमेंट है ये सेल्स हर वक्त ऑपरेटिव रहते हैं और इवेलुएट करते रहते हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को और असल में यही सेल्स होते हैं जो किसी भी सियासी जमात की कारदगी को बेहतर भी बनाते हैं और अगर ये सेल्स ऑपरेटिव नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी अप टू द मार्क नहीं होगी अगर उसके यहाँ रिसर्च विंग नहीं होगा अगर उसके यहाँ कम्युनिकेशन विंग नहीं होगा अगर विमेन विंग लेबर विंग नहीं होंगे तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो माजी में तो शायद एक्सेप्टेबल थी लेकिन मॉडर्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जिस लेवल की इंफॉर्मेशन जिस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए फिर वो अवेलेबल नहीं होती है then another important thing is that there are some cadre parties. cadre parties, kyunki wo वो samjhi समझी जाती हैं जिनकी bahut बहुत hoti होती है और बहुत hoti होती है और सिर्फ जो log लोग होते हैं उनको दी जाती है अब केडर पार्टीज़ का जो सिस्टम था ये रिलीजियस पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी इंट्रोड्यूस करवाया हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी मज़हबी जमात है जिसके अंदर शमूलियत का बाकायदा एक मेकनिज़म है वो शुरू से लेकर आज तक उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके यहाँ भी एक सिस्टम है उस क्रूटनी से गुजर कर ही वो उस पॉलिटिकल पार्टी के कोई इम्पॉटेंट पोस्ट तक आ सकते हैं फिर एक है जो मैस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मैस पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं जिनके अंदर आम तौर पर कोई भी फर्ज जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद पार्टी का मेंबर बन सकता है मज़ुकात ये भी होता है कि सब लोग मेंबर भी नहीं होते वो सिर्फ सपोर्टर्स होते हैं तो ऐसी पार्टीज़ जो हैं ये मैस पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके ऊपर जो आम तौर पर क्रिटिसज़म होता है वो किस वजह से होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बुनियादी काम है जो जॉब है पॉलिटिकल पार्टी की वो क्या है कि हर वो लोकल इशू हर वो नेशनल इशू जो मुल्क को दरपेश है जो लोगों को दरपेश है उसके बारे में लोगों की सोशलाइज़ेशन करें, लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, ताकि लोगों के अंदर सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट हो क्योंकि जितनी सेंस ऑफ अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा ही लोग जो हैं वो एक्टिवली पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करेंगे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो मुल्क के लेवल पर भी हो सकती हैं और ख़ुद उस सियासी जमात के लिए भी फ़ायदा मंद हो सकती हैं लेकिन जो हम करंट पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर एवेलुएट करें तो जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नज़र आता है वो ये है कि सियासी जमातें लोगों को अपने स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के लिए तो ट्रेन करना चाहती हैं वो लोगों को अपने ख़ास आइडियोलॉजिकल एफिलिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में तो अवेयरनेस देना चाहती हैं उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दे आर क्रिएटिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड दुनिया में हम देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि हर सियासी जमात अपने ख़ास नुतः नज़र को प्रमोट करके माशरेओं के अंदर डिवीज़न क्रिएट कर रही हैं हालाँकि ये सियासी जमात का टास्क नहीं होता सियासी जमात लोगों को सिविक सेंस देती है लोगों को शूर देती है ना कि लोगों को डिवाइड करने का काम करें तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि वो अपने आप को भी एवेल करें और अपने टास्क जो हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपर लोगों को असाइन करें और लीडरशिप का रोल उससे ज़्यादा अहम हो जाता है कि माशरे की तमीर रियासत की तमीर में सियासी जमात का मस्बत किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही रहना चाहिए